क्या सुना रहे हो फिर आज विराट कोहली के लिए? बताओ, बोलिए भारत माता की। ये यहाँ खड़ी है क्रिकेट प्रेमियों की टोली और धूम मचा रहा है अपना विराट कोहली। देखिए ये क्रिकेट प्रेमी इतने दूर से चल चल के आए हुए, टिकट भी नहीं मिला बेचारों को। निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं टीम इंडिया की। इनके लिए, सबके लिए खुशखबरी वाली बात बता दूं, इनके लिए जा रहे नहीं, इनके लिए अहमदाबाद बाद में चलेंगे। ये यहाँ खड़े हैं, भूखे, सुबह खाया नहीं इन्होंने। इनके लिए खुशखबरी सुन लेना भाई, फिर बाद में कोई बताया नहीं था। अभी थोड़ी देर में यहाँ सेमीफाइनल जीत के बैठेगी चाट, अभी यहाँ थोड़ी देर में सेमीफाइनल जीत के बैठेगी। धूम मचा रहे अपने गालिब को फेल कर रहे हैं, मिर्जा गालिब को। अभी घर जाते हुए सबको स्टेशन के बाहर मिलेगा गर्मा गर्म हलवा। अभी घर जाते हुए स्टेशन के बाहर मिलेगा सबको गर्मा गर्म। और टीम इंडिया वेलकम में मचा रही है अपना। अगर अगर इन्हें हलवा नहीं मिला तो ये आपके पास आएंगे जी। कोई बात नहीं, मेरा नंबर नोट करो करो भाई, जिसे हलवा ना मिला नंबर नोट कर लो, अहमदाबाद में मिलेंगे। नंबर नोट कर लो सभी, कहो कभी नहीं दिया था। 001 करो करो, 001 और जब भी मिलाओ जब भी बंद। अब जरा अहमदाबाद वाला सुना दो, अहमदाबाद वाला, क्योंकि अब तो टाइम लग रहा है अहमदाबाद जा रहे हैं। इसी बात के पैसे तय कर दिए, इसी बात के पैसे हैं। और वरना हम भी आपके जैसे हैं और जटाधारी सब पे भारी। पैसे तो आपके पास हैं, है जी। आप सारे वेन्यूज पर आए हो, चेन्नई से लेकर के यहाँ तक। रामराज है, रामराज में राम भक्तों के लिए यात्रा फ्री है। आना फ्री, जाना फ्री, पकड़े गए खाना भी फ्री। अहमदाबाद वाला, अहमदाबाद वाला जाने से पहले देखिए, हमने सुबह भी कहा था आपको, आप पहले पहले दिन से कह रहे हो, 8 तारीख से कह रहे हो आप, लड्डू बने वालो तुम टीम इंडिया वर्ल्ड कप लाएगी। किंग कोहली के रहते टीम इंडिया ना हार पाएगी। लेकर तिरंगा मेरे साथ चलो अहमदाबाद, अहमदाबाद चलो, अहमदाबाद चलो। और देखिए गुजरात की, अहमदाबाद की, गुजरात की पकड़ लो रेल, हाजी रेल। वर्ल्ड कप का फाइनल आया रे, वर्ल्ड कप का फाइनल आया रे, टीम इंडिया ने फाइनल का टिकट कटाया रे। गुजरात की पकड़ लो रेल, हाजी रेल, वर्ल्ड कप का फाइनल आया रे। विराट के शौ के बारे में बताओ, आज विराट का शौ कैसा लगा? मतलब मजा आया, बहुत आइकॉनिक ओकेजन है, दुनिया भी महसूस भी नहीं कर पा रही है उस बंदे ने क्या कर दिया है, धीरे धीरे हमें रियलाइज होगा। मजा तो ले गए मोहम्मद रजा, ठीक है। और विराट ने जो शतक बनाया है वो सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते। देखिए विराट ने एक सलामी तो 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को इसी मैदान पर अपने कंधों पर उठाकर मैदान के चारों ओर चक्कर लगा कर दी थी। वो सच्ची सलामी थी, वो कोई सच्चा, केवल 23 साल के उस समय विराट कोहली थे। 23 साल का लड़का क्रिकेट के भगवान का बोझ अपने कंधों पर उठाने की ताकत रखता है तो पूरा करेगा। उस खिलाड़ी का जज्बा आप खुद जान सकते हो। जब क्रिकेट के भगवान को उसने कंधे पर उठाया था तो भगवान की असीम कृपा है, और जिन पर भगवान कृपा करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। और देखिए आज जो शतक उन्होंने बनाया है, और जिस जिसने उनका शतक देखने के बाद उनका क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को सलामी देते हुए देखा है, खुद हमारी आंखों में खुशी के दो आंसू आ गए थे उस समय। जो सलामी उन्होंने दी है वो केवल एक सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा हिंदुस्तानी। आंसू कंजूस है, लेकिन दो ही आए है जी। कंजूस है, आंसू आने चाहिए, कंजूस नहीं है जी। हमारी आंखों के आंसू और न्यूजीलैंड के बस 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 बस। बाकी और क्या, आप लोग क्या बोलोगे भाई, कैसा लगा आज विराट कोहली की? देखिए हमारी आंखों में आए दो आंसू, हमारी आंखों में आए दो आंसू, और टीम इंडिया बन रही है पूरी धांसू। आखिरी पड़ाव भी बचा हुआ है, अहमदाबाद इंडिया को जाना है। हाँ। और इंडिया को वर्ल्ड कप हर हाल में जीतना है। आप 10वीं गेम आज जीत जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 400 रन नॉकआउट मुकाबले में कोई भी टीम के लिए आसान चेस करना नहीं होता। लेकिन अगर इंडिया वर्ल्ड कप यहाँ से नहीं जीती बहुत बड़ा शॉक होगा, क्योंकि ऐसी क्रिकेट इंडिया खेल के आ रही है, पूरे हिंदुस्तानी देख रहे हैं ऐसी गेंदबाजी। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, सबकी बात हो जाना होनी चाहिए। आज विराट कोहली की बात हो रही है, लेकिन सिरे सैयद की कोई यहाँ पर ध्यान नहीं। सिरे सैयद ने जो इनिंग खेली है, छक्के मारे उन्होंने, 8-9 छक्के मारे। अब फास्ट बॉलर को बॉलर के सर के ऊपर से 60 फीट गेंद को छक्का लगाना आसान नहीं। और सिरे सैयद के ऊपर बहुत सवाल था, लोकल बॉय थे यहाँ के, आज उन्होंने फायदा उठाया।
और पिछली भी इनिंग वन खेडे में उनकी अच्छी इनिंग खेली थी, बहुत ही श्रीलंका की गेंद बहुत ही, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी सभी हम लोग याद रखेंगे, मोहम्मद शमी की 5 विकेट, रोहित शर्मा की अटैकिंग शुरुआत और विराट कोहली के 700 रन सब याद रखेंगे। अगर इंडिया खुदा ना खाता कुछ होना नहीं चाहिए, अगर नहीं होता तो सब भूल जाते हैं भाई। 2019 में सब भूल गए, क्या हुआ 2015 में सब भूल गए, सही आज सुमन गिल शतक बना सकता था। 2011 वर्ल्ड कप क्यों याद किया जा रहा है कि वहां पे एमएस धोनी ने ट्रॉफी उठाई, एक इंडिया की शान है और यहाँ पे ट्रॉफी उठेगी तभी वर्ल्ड कप याद किया जाएगा, याद किया जाएगा नहीं तो सब भूल जाएंगे। और इंडिया को इस बार वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं लग रहा कि कोई टीम टक्कर की है, क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है साउथ अफ्रीका, अभी अभी किसी के अभी किसी के मन में डाउट हो इंडिया नंबर वन पे आ रही है और इंडिया नंबर वन पे रहेगी भाई। अभी इन्होंने कहा है कि यदि टीम इंडिया वर्ल्ड कप ना उठा पाई, देखिए हमें नहीं है टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे शंका, हमें नहीं है टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे कोई शंका, और टीम इंडिया बचा रही है इस वर्ल्ड कप में ना डंका, और देखिए सबके लिए तैयार है क्या, सबके लिए तैयार है गर्मा गर्म कॉफी, सबके लिए तैयार है गर्मा गर्म कॉफी, टीम इंडिया ला रही है वर्ल्ड कप की कॉफी, फाइनल इंडिया इंडिया तो कर दो अब जाने, अभी जहाँ आ रहे हम तो सोच रहे इसी कैमरे के साथ पैदल पैदल इस पे बोलते बोलते अहमदाबाद चले, आपके पास इतनी ताकत है हमारे पास नहीं है जी, इतना इतनी बैटरी हमारे फोन में, बेइज्जती करा तो यार घर वाले, अजी हम हिंदुस्तान वाले हैं हिंदुस्तान वाले, ये कैसी ये क्या है भाई ये क्या कर रहे हो आप, हम हिंदुस्तान वाले हैं, अरे मर्द मत 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 पूछो हमारा जोश, मत पूछो हमारा जोश, और न्यूजीलैंड वालों का आज हमने उड़ा दिया होश। चलो जी ये था यहाँ से विराट कोहली की सेंचुरी, जो उनकी 50th सेंचुरी आई है, जो उन्होंने शतकों का अर्धशतक लगाया है, चक्कर में कोई नहीं, बिल्कुल चक्कर में, ये सारी जो ट्रकों और टेम्पो के पीछे लिखी हुई लाइनें होती हैं, ये सारी की सारी आज यहाँ पर निकाली जा चुकी हैं, और वी होप कि अहमदाबाद में इससे दुगने चौगुने जोश के साथ आप लोगों से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट टू विराट कोहली। सो भाई 50th 100 आया, क्या लग रहा है, क्या पहले तो ये बताओ, यही सोच कर आए थे कि आज हो जाएगा 50वां शतक, या क्या सोच कर आए थे? विराट कोहली जब क्रीज पे उतरते हैं पूरे इंडिया का यही सपना रहता है कि आज फिर शतक आने वाला है, और जिस तरीके से विराट कोहली ने बल्लेबाजी की, रोहित शर्मा की अटैकिंग शुरुआत, उसके बाद विराट कोहली जिस तरीके से समझ समझ के खेलते रहे, सिचुएशन देख रहे हैं, रोहित शर्मा आउट हुए, सुमन गिल ने अटैकिंग क्रिकेट खेलना चालू किया, फिर सुमन गिल स्लो और विराट कोहली स्लो हो गए, रिटायर्ड हो गए, विराट कोहली ने फिर पेस जताया, फिर जब श्रेयस अय्यर ने पेस पकड़ा फिर विराट कोहली थोड़ा स्लो हो गया, 80 के बाद उनकी इनिंग देखिए, क्यों लोगों को लगता है कि विराट कोहली ऐसा कर रहे हैं, और उनका 50वां शतक वानखेड़े स्टेडियम सचिन तेंदुलकर के सामने, और उनका रुतबा देखिए, हेलमेट उतारा उन्होंने, सर झुकाया, उनका अदब कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन बात है कि इंडियन क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटा।